हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सेल का कुछ नया ट्रिक। तो एक्सेल में हम देखते हैं कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ से हम उसका ईयर, मंथ और डे कैसे निकालें। तो ईयर और मंथ डे निकालने के लिए देखिए, यहाँ पे पहले तो हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए। किसी भी स्टूडेंट का हो, किसी भी एम्प्लॉय का हो, हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे हम नेम भी राइट कर सकते हैं, बट फिलहाल हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ करेंट डेट है। करेंट डेट के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर हम इसे जो है रिमूव कर दिए, तो हमें रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टी ओ टी ए वाई, टुडे किए, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, एंटर किए, ये देखिए आज का डेट आया। इसे हम कॉपी किए और नीचे ड्रैग करके पेस्ट कर दिए, तो ये सभी कॉलम में आज का डेट हो गया है। इसके लिए अभी यहाँ पे आ गया, डेट लिखते हैं, यहाँ पे हो गया कि 36 ईयर 2 मंथ एंड 21 डेज। तो ये आया कैसे, इसके लिए हम एक फार्मूला लिखेंगे। चलिए इस फार्मूले को फिर से लिखते हैं। यहाँ देखिए ऊपर है, बट इसके बाद हम फिर से राइट कर देते हैं। और सबका ऊपर दिया हूँ कि ईयर के लिए हमें क्या राइट करना है, मंथ के लिए हमें क्या राइट करना है, और डे के लिए हमें क्या राइट करना है। तो चलिए लिखते हैं पहले ईयर का फार्मूला। इक्वल प्रेस करेंगे, अभी अगर ये दिख नहीं रहा है तो इसको एक बार प्रॉपर कर देते हैं, ये सेंटर में है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए यहाँ पे इक्वल प्रेस किए और हम लिखेंगे डी ए टी ई डी डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद हम माउस से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं या तो हम इससे भी अपने कीबोर्ड से भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो माउस से हम सिलेक्ट कर लिए, फर्स्ट हमारा डेट ऑफ बर्थ है, तो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किए, उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे, एंड सेकंड क्या है, करंट डेट है, तो करंट डेट को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अगेन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे इसके बाद। और यहाँ पे हम ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वाई, तो हम यहाँ पे वाई हम प्रेस करते हैं, वाई इन्वर्टेड कॉमा में हम वाई प्रेस करेंगे, ये देखिए वाई हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर किए, देखिए 36 जो पहले था वही आ गया। सेम हम मंथ के लिए करेंगे, क्या करेंगे, अभी इक्वल प्रेस किए और यहाँ पे हम राइट करेंगे डी ए टी ई डेटेड, डी ए टी ई डी डेटेड की ब्रैकेट ओपन किए, और यहाँ से फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं, कॉमा करेंगे एंड करेंट डेट सिलेक्ट करेंगे, अगेन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाई एम, तो हम यहाँ लिखते हैं मंथ के लिए वाई और एम सिलेक्ट करते हैं एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए, ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए 2 मंथ आ गया एंड यहाँ 21 है, तो 21 ही आना चाहिए। अगेन हम राइट करते हैं, इक्वल प्रेस करेंगे और लिखेंगे डी ए टी ई डी डेटेड इफ एंड ब्रैकेट ओपन, और फिर से सिलेक्ट करते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कॉमा, अगेन सिलेक्ट करेंगे हम करेंट डेट, कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या, एम डी, डे को निकालना है अगर, तो हम एम डी लिखेंगे, एम डी एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किए और इंटर प्रेस किए। देखिए 36 ईयर 2 मंथ एंड 21 डेज, इसको सेंटर में कर लेते हैं और ये तीनों को शिफ्ट से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से भी हम ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से भी हम ड्रैग करके इसको नीचे कर, देखिए हमारे पास 26 है, तो 26 तक हमारे पास आ गया सबका ईयर और मंथ प्रॉपर आ गया। और एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, इसको डिलीट करिए, उसके बाद मान लीजिए अगर हमें जो है ड्रैग नहीं करना है तो इस तीनों को सिलेक्ट किए और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और शिफ्ट और डाउन एरो से हम इसे नीचे लेके जाएंगे, ये नीचे आए, और इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा प्रॉपर काम हो जाएगा। और अब हमारे पास जितने भी डेट ऑफ बर्थ हैं, हमारे पास फिलहाल 26 है, तो 26 का मैं यहाँ पे निकाल दिया हूँ, और करेंट डेट के अनुसार यह जो
डेट ऑफ बर्थ है वो निकल चुका है। पहला है 36 ईयर 2 मंथ एंड 21 डे। और यहाँ पे अगर हमें चाहिए कि 36 ईयर एक साथ रहे 2 मंथ 21 डेज, उसके लिए भी फार्मूला है, बस आगे उसको ऐड करेंगे वो कभी। और फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके आप भी अपने अनुसार इसको बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर बॉर्डर हो गया, प्रॉपर बॉर्डर देखिए आराम से कर सकते हैं। और ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।